जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी आंदोलन से संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बता दें, सरकार ने ओआरओपी विसंगतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। ओआरओपी 2, एमएसपी, प्रीमेचर डिसेबिलिटी, एक्स ग्रुप और एमएससीपी जैसी विसंगतियों पर सरकार ने काम कर दिया है। जेसीओओआर, सभी जेसीओओआर से सजेशन मांगे गए हैं। सरकार ने जो काम शुरू किया है वो जानकारी देंगे। किसने दी है वो बताएंगे। उससे पहले बता दें, सरकार ने काम करना क्यों शुरू किया है। आपको पता है, हम दिल्ली में ओआरओपी आंदोलन जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उसके बाद सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हमने कुछ दिन बाद ज्ञापन भी सौंपा सरकार को, तब भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। सरकार का कहना था कि कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्स सर्विसमैन खुश हैं ओआरओपी 2 से और बाकी विसंगतियों से। लेकिन जैसे ही अलग अलग जगह पे सभी सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में जो पूर्व सैनिकों ने डीएम एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपे, उसके बाद सरकार को लगा कि हाँ, पूर्व सैनिकों की पूरे देश में मांग है ओआरओपी विसंगतियों की, एमएसपी की, प्रीमेचर की, डिसेबिलिटी की, एमएससीपी की। ये सभी विसंगतियां हुई जब सरकार को डीएम एसडीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए, तो उनको लगा कि पूरे देश में ये भूतपूर्व सैनिकों की मांग है। जेसीओओआर के साथ विसंगतियां हुई हैं। उसके बाद आपने देखा होगा, सभी नेशनल मीडिया में, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, सभी में ये खबरें प्रकाशित हुई कि डीएम को ज्ञापन सौंपे गए। उसके बाद सरकार ने कुछ लगा सरकार को कि अब भूतपूर्व सैनिक कि पूरे देश में ये मांगे हैं कि विसंगतियां हुई हैं। इसके बाद जो अभी जानकारी एक आई है कि सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जानकारी दी है, जिसमें कहा है कि हिमाचल प्रदेश के सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया करता हूं कि 30 अप्रैल 2023 को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से अपने अपने एमपी और राज्यसभा के सदस्यों के ऑफिस में किसी प्रकार का कोई ज्ञापन सौंपने के लिए कोई कॉल नहीं की है। यानी कि जो 30 अप्रैल 2023 को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने कहा है कि ज्ञापन सौंपने के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने कोई ऐसी कॉल नहीं की है। हालांकि बाकी पूर्व सैनिक संगठनों ने ये कॉल की है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद कहा है, हमारे साथ जो ओआरओपी 2 में अन्याय हुआ है उसका ज्ञापन रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल को दे चुके हैं। इन्होंने ज्ञापन दे दिया है। बिल्कुल सही है, एक बार रक्षा मंत्री से मिले भी थे और ज्ञापन भी सौंपा था, और सरकार उस पर काम कर रही है। यानी कि जो इन्होंने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद इन्होंने कहा सरकार उस पर काम कर रही है। आप सभी पूर्व सैनिक ने डीसी, एसडीएम, तहसीलदार को भी जो ज्ञापन सौंपा है, अच्छी बात है। हर एक के दरवाजे में जाकर खड़े हो जाना मेरे विचार से ठीक नहीं है। ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि अब आप जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं अपने लोकल एमपी को, वो इनका कहना है कि मेरे हिसाब से सभी के दरवाजे खड़े हो जाना ये ठीक नहीं है। हम एक सैनिक हैं, हमारा अपना स्वयं का मान सम्मान है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और रख रहे हैं। माननीय न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूं कि जंतर मंतर की विसंगतियों पर ध्यान नजर रखें। जिस भी संगठन या कमेटी ने 30 अप्रैल 2023 की विसंगतियों में भाग लेना, वो अपनी इच्छा से ले सकते हैं। यानी कि उनका कहना है कि 30 अप्रैल को जो विसंगतियों पर जो धरना दिया जाएगा, जो सभी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसमें अपनी मर्जी से जा सकते हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की कॉल नहीं है। हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, जैसे कि ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, उन सभी के केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अभी इनका जो कहना है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, कि जो 30 अप्रैल को सभी लोकल एमपी के पास जाके उनको ज्ञापन सौंपना है, इनका कहना है कि सभी के दरवाजे जाना ठीक नहीं है, सरकार इस पर काम कर रही है। क्या सरकार ने इनको जानकारी दी है कि सरकार इस पर काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है।
अगर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ के पास अगर कोई ऐसी जानकारी सरकार ने दी है कि ओआरओपी की विसंगति एमएसपी पर काम हो रहा है, तो फिर वो सबके सामने लाएं, और नहीं तो सरकार अभी चुप बैठ जाएगी। अगर हम ऐसा आंदोलन में अपना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे तो सरकार फिर चुप बैठ जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो जो एमपी को 30 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा जाएगा लोकल एमपी को, वो सौंपना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा सरकार को जब हमने जाके सबको ज्ञापन सौंपा कि पूरे देश में भूतपूर्व सैनिक परेशान है, विसंगतियों से विसंगतियां हुई हैं, तब उनको लगा है। अगर हम अपना अभी चुप बैठ जाएंगे तो सरकार फिर सोचेगी मामला शांत हो गया है। तो हमारे हिसाब से तो 30 अप्रैल को सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी के माध्यम से और मीडिया भी इसी के माध्यम से आपकी बात पहुंचाएगा। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर अभी तक कोई भी मीडिया नहीं पहुंचा है, लेकिन हम जैसे ही एमपी एमएलए को कोई ज्ञापन सौंपते हैं तो वो जानकारी तुरंत मीडिया छाप देती है, तो तभी हमारी बात पहुंचेगी। तो 30 अप्रैल को हमारे हिसाब से तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप ऐसा ना सोचे कि सरकार काम कर रही है। सरकार अगर कोई बिल्कुल जानकारी पुख्ता जानकारी देती है तभी हम मानेंगे काम कर रही, नहीं तो सरकार चुप बैठ जाएगी अगर हम अपनी मांग नहीं रखेंगे। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। आप भी अपना कमेंट करें, आप भी बताएं कि क्या ये देना चाहिए धरना कि नहीं देना चाहिए। आप अब जेसीओ और अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद।